आज का ये वीडियो डीजल जनरेटर के ऊपर है। तो हमारा ये जो डीजल जनरेटर यहाँ पर है वह कैटरपिलर नाम के कंपनी का है। यहाँ पे दो डिजी सेट है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, दो नंबर और ये हमारा एक नंबर। और इसके लिए फ्यूल टैंक की कैपेसिटी भी देखते हैं। ये हमारा फ्यूल टैंक है, 1500 लीटर का है और वो भी हमारा 1500 लीटर का है। ये दो नंबर के लिए, वो एक नंबर के लिए। तो कैटरपिलर का डीजी सेट, ये हमारा पानी इन कर रहा है जो कि कूलिंग टावर से आता है। इसके लिए टेम्परेचर गेज लगा रखा गया है डिग्री सेल्सियस। और ये देखिए किस तरह का डीजी सेट है। और ये दो बैटरी 12-12-24 करके बना रखा गया है। 24 वोल्ट पर ये सेल्फ लगता है इस डीजी इंजन में। और ये दिखाते हैं, ये देखिए यही है सेल्फ जो कि इंजन को स्टार्ट करता है। और ये हमारा अल्टरनेटर है, इस अल्टरनेटर की दूसरा डिजी सेट में दिखाते रेटिंग इनका। ये अल्टरनेटर हमारा जो कि बैटरी को चार्ज करती है। और ये देखिए इसका एयर फिल्टर। और ये एक एग्जास्ट, एक ये पाइप जो देख रहे हैं आप, ये एग्जास्ट से आ रहा हमारा, वहाँ से RTD डिवाइस से ये डिग्री इसका टेम्परेचर बताएगा कि धुआं में कितना हीट है, धुआं कितने हीट कर रहा है ये। और ये इसका हमारा एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर में भी लिखा रखा गया रेड निशान होने पर, ये इसका डाटा लिखा गया। और ये हमारा अल्टरनेटर है, वहाँ तक का जो पार्ट है वो इंजन है और ये हमारा अल्टरनेटर है। और दिखाते इसका सामने का व्यू कैसा है, यह देखें इसका सामने का व्यू। लो ऑयल प्रेशर, इमरजेंसी स्टॉप, इंजन ओवर स्पीड, इसमें डाटा तक बना रखा गया। जब ये चलता है तो इसमें वोल्टेज और ऑयल का प्रेशर और यूनिट की रीडिंग हम लोग लेते हैं। और यह फ़िलहाल अभी ऑटो पर है हमारा डीजी सेट, इसे ऑटो पर रखा गया। एक डीजी को हम ऑटो पर रखते हैं और ये दूसरे को हम अभी ऑफ रखते हैं। और ये उसका बस डक्ट जो हमारा अल्टरनेटर से निकल के जाएगा LT पैनल गए। और ये हमारा ऑयल इन आउट का, ऑयल इन भी करेगा और एक्स्ट्रा तेल हमारा वापस चला जाएगा टैंक में। और एक यहाँ भी एक प्रेशर गेज दे रखा गया है। फ्यूल फिल्टर, ये हमारा फ्यूल फिल्टर लगा हुआ है दो। और इधर जो है इंजन ऑयल फिल्टर है, ये भी कैट कंपनी का है और ये भी कैट कंपनी का है। और ये पाइप जो आप देख रहे हैं, ये पानी है यहाँ से वापस आउट होके मोटर के थ्रू कूलिंग टावर में चला जाएगा। इसमें भी प्रेशर गेज है और टेम्परेचर दे रखा गया है गेज के लिए। सेम यही चीज़ हमारा दूसरे डीजी में भी है। और ये है वो एक तीन मोटर, उसमें से हमने एक मोटर अभी स्टैंड बाई रखा है और दो को सर्विस पे हमने रखा हुआ है। ये दो नंबर के लिए, वो एक नंबर का है। ये पानी कूलिंग टावर में यहाँ से भेजेंगे। ये जो पंप है ये ऑटो पे है, जैसे ही हमारा जनरेटर ऑन होगा उसके साथ ही ये पंप भी ऑन हो जाएंगे। ये पानी इन करेगा, इसके लिए भी एक प्रेशर गेज लगा रखा गया है, यहाँ से आउट होगा। और ये जो है डीजी में इन करेगा और यहाँ से जो भी पानी हमारा बाहर आउट होगा ये सीधा कूलिंग टावर में जाके कूलिंग के लिए चला जाएगा। इसमें भी इन आउट के लिए दो पाइप रखा गया है। और ये देखिए इसका डाटा, 725 KVA का डीजी है, 580 किलोवाट, 0.8 पावर फैक्टर पर। आप इसका कैलकुलेशन निकाल के देख लीजिएगा, 415 वोल्ट। ये ऑटो मैनुअल का के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और ये डीजी हमारा अभी ऑटो पर है फ़िलहाल, ये नंबरिंग उल्टा हो रखा गया है लेकिन ये ऑटो पर है। ये लोड और ये ऑटो मोड हमारा ऑन दिखा रखा गया है।
चार्जिंग के लिए वोल्टेज भी है, एम्पेयर भी है, और अल्टरनेटर की रेटिंग ये रही 24 वोल्ट का अल्टरनेटर है 35 एम्पेयर का। ये अल्टरनेटर बैटरी चार्जिंग के लिए होता है, जैसे फोर व्हीलर में होता है वैसे इसमें भी है। और यहाँ भी एक नेम प्लेट है ये इंजन का, ये फ़िलहाल 633 किलोवाट और 849 HP का है यहाँ पे लिखा हुआ डाटा। आप देखिए लाइट में 633 किलोवाट और 849 HP का है ये, फुल लोड पर RPM 1500 RPM तक का ये है। ये जो है 90% एफिशिएंसी पे जब आप अल्टरनेटर की से रेटिंग निकालोगे तो 633 किलोवाट और 849 के हिसाब से 91% पर ही आ जाएगा। ये कैलकुलेशन एफिशिएंसी के द्वारा आती है। तो ये फ़िलहाल हमारा 2 डिजिट सेट है कैटरपिलर का, जिसके बारे में हमने आपको बताया। ये पंप हो गए हमारे 3 और ये हमारे 2 डीजल सेट हो गए टैंक। तो इमरजेंसी पर इसी हम ऑन करते हैं, कैटरपिलर की कंपनी का है ये। ज़्यादातर आपको किलोस्कर का ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कैटरपिलर का लगा रखा गया है।